नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ तिथि गंडांत के बारे में, लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, तिथि गंडांत। क्या ये शब्द है और हमें इसे क्या समझना चाहिए और मुहूर्त में इसका क्या विशेष महत्व है? दोस्तों मुहूर्त के लिए कई घटक हैं, जैसे मैंने बताया था पहले भी अपनी वीडियो में कि पंचांग के पांच घटक होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग। तो तिथि उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक है। अब तिथि में दोस्तों बहुत सी तिथियां ऐसी आती हैं या तिथियों का समय ऐसा आता है जिसको शुभ कार्यों के लिए त्यागना पड़ता है, उस समय पर शुभ कार्य शुरू नहीं करने चाहिए। तो उसी में दोस्तों आता है तिथि गंडांत। गंड का मतलब होता है दोस्तों निकृष्ट, बुरा। गंडांत का मतलब होता है खराब समय, मतलब वो समय जिसको शुभ कार्यों के लिए त्यागना चाहिए। अब दोस्तों जो पूर्णा तिथि होती है, तो पूर्णा तिथि होती है दोनों पक्षों की, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। एक पक्ष, एक मास में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो पूर्ण तिथि होती है वो दोनों पक्षों की पंचमी, दशमी और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और अमावस्या कृष्ण पक्ष की, ये तिथि। तो इसमें तीन तिथियां होती हैं, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या दोनों। तो दोस्तों अब इनकी पूर्ण तिथियों की आखिर की एक घटी होती है 24 मिनट की। तो ये जो पूर्ण तिथियां दोस्तों, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, इनकी अंतिम एक घटी मतलब 24 मिनट का समय और नंदा तिथियां। अब नंदा तिथियां होती हैं दोस्तों दोनों पक्षों की, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रथमा, षष्ठी और एकादशी, मतलब पहली, छठी और ग्यारहवीं। अब नंदा तिथियों की प्रारंभिक एक घटी मतलब शुरू की एक घटी 24 मिनट का समय, इसको संधि का समय भी कहते हैं या इसको तिथि गंडांत भी कहते हैं। दोबारा बताया था दोस्तों, पूर्णा तिथियों की पूर्णा तिथियां पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या। तो पूर्णिमा तिथियों की अंतिम एक घटी मतलब 24 मिनट का समय और नंदा तिथियां होती हैं दोस्तों प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। तो पूर्णिमा तिथियों की अंतिम एक घटी 24 मिनट का समय और नंदा तिथियों की प्रारंभिक एक घटी मतलब शुरू की एक घटी 24 मिनट का समय, इसको तिथि गंडांत कहते हैं और इसको अशुभ समय माना जाता है, इसको निकृष्ट कहा गया है और इस समय को सभी शुभ कार्यों में त्यागना चाहिए। इस समय पे कोई भी शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में इसकी मनाही की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।